स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट्स होती है मैटर की? 3 स्टेट्स हमने स्टडी करनी है, ठीक है? सबसे पहले सॉलिड हमने पढ़ चुका है, सेकंड लिक्विड और थर्ड है गैस। आज हम लिक्विड स्टार्ट करेंगे। इनमें जो लिक्विड और सॉलिड गैस तीनों स्टेट किसके अकॉर्डिंग से अरेंज की जाती है? पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे स्टेट्स डिसाइड की जाती है। पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, उसमें बिल्कुल स्पेस, बहुत कम स्पेस रहता है, ठीक है? अगर हम देखें गैस के पार्टिकल्स, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है? फ्रीली मूवमेंट होती रहती है इनके पार्टिकल्स के बीच में। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स की डिसाइड की गई है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे लिक्विड, तो आइए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 49 पे। कैन यू पिक अप वाटर और मिल्क विद योर फिंगर? क्या आप अपनी उंगली से वाटर और मिल्क को उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं? नो, एज यू ट्राई टू पिक इट, इट फ्लो ऑन द फ्लोर। अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये फ्लोर पे ढुल जाएगा या बिखर जाएगा, ठीक है? वाटर और मिल्क इज अ लिक्विड। वाटर और मिल्क क्या है? दोनों लिक्विड है। इफ यू पॉर अ लिक्विड इन अ कंटेनर सच एज अ ग्लास, इट टेक अप इट शेप। अगर आप किसी भी लिक्विड को, मान लीजिए वाटर या मिल्क है, इसको किसी ग्लास में डालेंगे तो उसका ही वो शेप ले लेगा। ऑन पॉरिंग इट ऑन बाउल, इट टेक अप द शेप ऑफ द बाउल। अगर इसको बाउल में डालेंगे तो ये बाउल का शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, जार में डालेंगे तो जार का शेप ले लेगा, ठीक है? बट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे एक ग्लास पानी है तो बाउल में डालने के बाद भी एक ग्लास ही रहेगा। एक लीटर वाटर है, ठीक है, एक लीटर वाटर है ग्लास में, तो एक लीटर ही अगर बाउल में डालेंगे तो एक लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा इधर से उधर करने पे, ठीक है? बट इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम नो मैटर विच कंटेनर इट इज पॉर इन। ये कोई कंटेनर ये मैटर नहीं करता है कि हम इसको किस कंटेनर में रख रहे हैं। जितना वॉल्यूम हमने लिया था उतना का उतना ही इसका वॉल्यूम रहेगा, ओके? मतलब क्वांटिटी आप कह सकते हैं। दस ए लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। द पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड। जो पार्टिकल्स होते हैं किसके किसके पार्टिकल्स? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते जैसे कि सॉलिड में होते हैं, ठीक है? इजीली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। अब यहाँ पे एक टर्म आई है आपके फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, उसके जो फैलने की जो एबिलिटी होती है, फ्लो करने की एबिलिटी होती है, बहने की एबिलिटी रहती है, उसे क्या कहते हैं हम? फ्लूइडिटी कहते हैं। दिस इज वाई लिक्विड इज कॉल्ड फ्लूइड्स। अब जो सब्सटेंस जिसकी फ्लूइडिटी होगी उस सब्सटेंस को क्या जाएगा, क्या कहा जाएगा? फ्लूइड कहा जाएगा। ऑयल, जूस, पेट्रोल आर सम एग्जांपल ऑफ लिक्विड। ऑयल, जूस, पेट्रोल ये किसके एग्जांपल है? सारे लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है अब गैस। अ गैस इज नो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब गैस का क्या होता है? ना तो कोई फिक्स शेप होता। क्या आप इसे किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसका शेप लेगी क्या? ही नहीं ले सकती। ना इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है? पार्टिकल इन अ गैस आर लूजली पैक्ड। जो पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? गैस में प्रेजेंट होते हैं, वो बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं। दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्री टू मूव। एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है? Well, so a glass fills the space of a container in which it is kept. अगर हम ग्लास में, ऐसा नहीं कि इसको ग्लास में किसी में ग्लास में खाली करेंगे तो उसका शेप ले लेगी, नहीं ले सकती, ठीक है? मोस्ट ऑफ द गैसेस कैन नॉट बी सीन। अधिकतर गैसेस हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट वी कैन नॉट सी देम। अब एयर ही मान लीजिए आप, एयर कितनी सारी गैसेस का मिक्सचर है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी नेचर में प्रेजेंट रहती है, ठीक है? पर हम देख सकते हैं कि इसको नहीं देख सकते, ये दिखती ही नहीं है।
गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स. गैसेस को भी क्या कहा गया है, फ्लूइड्स कहा गया है, क्योंकि ये भी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करती है, इसमें भी फ्लो करने की एबिलिटी है, इसलिए इसको फ्लूइड्स कहा गया है. इनफैक्ट गैसेस मोर रैपिडली देन लिक्विड. गैसेस क्या करती है, और ज़्यादा तेजी से फ्लो करती है किसके मुकाबले, लिक्विड के कंपेरिजन में. That is why the smell of perfume quickly spread in the room as soon as the bottle is open. अब जैसे आप कोई बॉटल ओपन करेंगे, ठीक है, परफ्यूम की, तो उसमें से क्या होता है, परफ्यूम की स्मेल कितनी जल्दी से फैलती है, ठीक है, जिस तरीके से जो पानी से बॉटल में से पानी भी नहीं निकलता उतनी तेजी से, तो क्या होता है, परफ्यूम की स्मेल फैल जाती है. ओके, तो ये आपका टॉपिक लिक्विड एंड गैस कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट पेज नंबर 50 पे देखेंगे आप ये टेबल. अब इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस. सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस डिफाइन किया गया है. अब यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, शेप का, वॉल्यूम का, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, फ्लूइडिटी और उनके एग्जाम्पल. अब सबसे पहले हम बात करेंगे अगर सॉलिड की, तो सॉलिड का शेप कैसा होता है, सॉलिड का शेप होता है डेफिनेट, मतलब उसका शेप चेंज नहीं होता. वॉल्यूम कैसा होता है सॉलिड का, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स किसके, सॉलिड के. फ्लूइडिटी होती है क्या, फ्लूइडिटी नहीं होती, क्योंकि सॉलिड जो है फ्लो करने की एबिलिटी नहीं रखता. अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, पैन, बुक, स्टोन, टेबल एंड चेयर. नेक्स्ट है अपना लिक्विड्स. अब लिक्विड्स का शेप होता है कि डेफिनेट, लिक्विड का कोई शेप डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. अगर जिस कंटेनर में हम इसको डालेंगे उसका ही शेप ले लेगा. वॉल्यूम, अब लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्या, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. हम एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसका कोई वॉल्यूम कम नहीं या ज़्यादा नहीं होगा. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, लिक्विड के अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं रहते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तभी तो एबिलिटी टू फ्लो रहती है. फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी होती है लिक्विड की, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करते हैं. एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, पेट्रोल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है अब शेप. शेप किसका, गैस का. गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, ठीक है. एबिलिटी टू फ्लो सबसे ज़्यादा रहती है, लिक्विड से भी ज़्यादा फ्लो करने की एबिलिटी किसकी रहती है, गैस की. एग्जाम्पल है इसके एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और नाइट्रोजन. तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से समझनी है, इसमें तीनों जो आपकी मैटर की जो स्टेट्स है वो क्लियर हो जाएगी विद एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट है अपना चेंज ऑफ स्टेट. अब चेंज ऑफ स्टेट कैसे, स्टेट्स कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, इस टाइप से जो स्टेट्स चेंज होती है, चेंज स्टेट्स में चेंजेस आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चेंजिंग ऑफ स्टेट, ठीक है. मैटर कैन बी चेंज. अब कैसे चेंज किया जा सकता है मैटर की स्टेट्स को, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन टू अनादर ऑन हीटिंग और कूलिंग. या तो हीट करके चेंज किया जा सकता है या कूल करके चेंज किया जा सकता है मैटर की स्टेट्स को. ओके, अब सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड. अब कोई सॉलिड है, सॉलिड को ले लीजिए, अगर हम उसको हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली लिक्विड में चेंज होगा. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल हर जगह वाटर का ही लेंगे, ठीक है. अगर हम सॉलिड में आइस क्यूब्स ले लीजिए, बर्फ, ठीक है, अगर हम बर्फ को पिघलाएंगे, हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, वो वाटर में चेंज हो जाएगी. तो पहले क्या थी, वो सॉलिड यानी आइस क्यूब्स थी, अगर आइस क्यूब्स को हम हीट करेंगे तो लिक्विड यानी वाटर में चेंज हो जाएगी. तो सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में. कब हुआ, जब उसको हमने हीट किया. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग. मेल्टिंग यानी पिघल गई, वाटर में चेंज हो गई, ठीक है. तो यू मेट सीन आइस क्यूब्स इंटू चेंज इंटू वाटर. तो ये प्रोसेस कहलाएगी मेल्टिंग. हीट मेक द पार्टिकल ऑफ सॉलिड टू मूव फास्टर एंड मूव अपार्ट, दस चेंज इंटू लिक्विड. अब अगर हम हीट करेंगे आइस क्यूब्स को, ठीक है, सॉलिड को हीट करने पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो दूर दूर चले जाएंगे और किस में चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. लिक्विड ऑल्सो चेंज इट्स स्टेट बाय हीटिंग और कूलिंग. अब अगर हमने सॉलिड से तो लिक्विड कर लिया, अब लिक्विड भी क्या करता है, अपनी स्टेट्स चेंज करता है, कभी हीट करने पे, कभी कूल करने पे अपनी स्टेट्स को चेंजेस करता रहता है. और हीटिंग अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस. अगर हम हीट करेंगे किसको, लिक्विड को, पानी को, अगर हम गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है. यू कैन सी दिस. अब ये देखना है आपको,
वाइल्ड बॉइलिंग द वाटर, अब जब आप पानी गर्म करते हैं, ठीक है, बॉइल करते हैं वाटर को, तो उसमें से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट दे रहे हैं आप पानी को, तो उसमें से क्या निकलता रहता है, वाटर वेपर्स निकलती हैं। अब पानी से क्या बन गया, गैस बन रही है हीट देने पे। यहाँ से हम हीट दे रहे हैं वाटर, इस कंटेनर में वाटर की क्या बन रही है, वाटर वेपर्स यानी गैस बन रही है, ठीक है। तो वाटर से किस में चेंज हुआ, डायरेक्ट गैस में। कब हुआ, जब हमने उसको हीट किया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवोपरेशन। कौन सी प्रोसेस कहलाती है इवोपरेशन, वाटर से डायरेक्ट क्या बनना, गैस। कब बनना, जब हम उसको हीट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे सेम एज हीट कर रहे हैं, पानी को हीट कर रहे हैं, ठीक है, पानी को हीट किया, वाटर वेपर बन रही है। अब वाटर वेपर के ऊपर आप एक ढक्कन रख दीजिए, या फिर यहाँ पे कुछ भी एक कंटेनर का ढक्कन रख दीजिए, ठीक है, टिप रख दिया आपने, ढक्कन रख दिया। अब ढक्कन पे क्या प्रेजेंट हो जाएंगी, यहाँ पे उसके वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो जाएगी। किसी भी प्लेट को रख दीजिए, तो प्लेट्स पे क्या आने लग जाएगी, वाटर वेपर की जो थी, वाटर वेपर कूल होके वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज होती जाएगी। तो क्या हुआ, वाटर से डायरेक्ट क्या बना, गैस से क्या बनने लग गया, वाटर बनने लग गया। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कौन सी कहलाती है, कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच गैस चेंज इनटू लिक्विड। गैस थी वाटर वेपर, तो क्या है, गैस है। अब गैस किस में चेंज हो गई, यहाँ पे लिक्विड में चेंज हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब यहाँ पे कुकर में से गैस निकल रही है, गैस किस में चेंज हो रही है, वाटर में, तो क्या बन रहा है, गैस से वाटर बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। ओके, अब नेक्स्ट, ऑन कूलिंग अ लिक्विड। अब लिक्विड से क्या बनना है, सॉलिड। लिक्विड से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे सॉलिड बनाएंगे। तो लिक्विड को हम फ्रीज कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। तो फ्रीजिंग क्या हुआ, लिक्विड से सॉलिड बनना कहलाता है फ्रीजिंग। इसलिए जो हर एक स्टेट जो है चेंजिंग करती है अपने आप में, या तो हीट करके या कूलिंग करके। सबसे पहले हमने देखा था सॉलिड किस में चेंज हुआ था, लिक्विड में। कैसे हुआ था, हीट करके। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, फ्रीजिंग करनी पड़ेगी। ओके, अगर गैस को हमने लिक्विड में चेंज करना है, तो हम कंडेंसेशन की प्रोसेस कहलाएगी। अगर हम वाटर से वाटर वेपर बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस इवोपरेशन कहलाएगी। ओके, तो ये आपकी चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।